देखिए जी, नाश्ता तो हो गया हमारा फाइनल, और अब जो है पानी की ज़रूरत है, पानी भरना है, क्योंकि यहाँ तो हमारे यहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं है। ये क्या खाली है? दिखाओ। ये जी खाली है सर, ये देख लें आपके सामने। अब बेगम साथ जाएगी क्योंकि बच्चों से उठाया नहीं जाएगा, ये जाएंगे बहरहाल धूप पानी भर के ले आएंगे, और आपके सामने ये जा रहे हैं, और इधर जाएंगे। ये फासला देखिएगा आप, कितना फासला है हमारा, यानी थोड़ा सा पानी, यानी कि ये अपनी बड़ी यानी कि साफ करके पानी को लेके, पानी को तो ले आते, यानी कि इस्तेमाल करने में खुले तरीके से पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी कि सही ना तो बर्तन धुलते हैं, ना ही जनाब अपना सही तरीके से कोई इंतजाम होते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जा रहे हैं जी, और ऐसे जाएंगे, और वो सामने एक मोटर चल रही है, अपना पानी चल रहा है, ये देखें वो सामने, ये जो हौजी है, छोटा सा कमरा नज़र आ रहा है, एक वहाँ खतून भी बैठी है बुजुर्ग, और वहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है, उधर से ये पानी भर के ले आएंगे, उधर से ये भर के ले आएंगे जी। और ये सड़क है, मैंने वापस जूम किया है, ये देखें जी, मेरे बच्चा अब बकर वागे के भागा जा रहा है, और ये वहाँ से जाकर ले आएंगे, और ऐसे घूम कर वहाँ से ऐसे जाएंगे, यूँ घूमते हुए उस साइड पर जाके वहाँ से पानी ले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आसानियत फरमाए। सुबह सुबह बखैर, और सुबह का यानी यहाँ मैंने नाश्ते का आगाज़ कर दिया, बेगम को मैं कहूँगा थोड़ी देर के लिए इधर आ जाए, आज थोड़ी देर के इधर कह रही है नहीं नहीं मैंने काम करना, नाश्ता करना, इधर आ जाओ, करिए नाश्ता, नाश्ता बनाना है, नाश्ता बनाना है, ये देख लें कि जी करिए मैंने नाश्ता बनाना है। देखिए जी आप चुकी आ चुकी है बेगम, मैं से कहूँगा गुजारिश के सलाम करें आपको और आपके लिए दुआएं करें। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन, आमीन रब्बुल आलमीन, आमीन रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इसे कैसे समझाते हैं, मैं इन्हें एक दुआ करवाऊँगा, इनसे और भी दुआएँ करवाएंगे, इससे मैं आप समझाता हूँ। देखिएगा कि मैं एक बहन है, मुझे नहीं मालूम वो कौन है, और उसने कहा था कि मैं उम्मीद से हूँ, दुआ करें अल्लाह मुझे नेक तंदुरुस्त औलाद दे, पहले यदि कोई औलाद नहीं हुई, कोई हुए तो ज़ाया होते रहे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, शफा भी दे, और खैर अफियत से औलाद दे। एक ना बहन है, पता नहीं कौन है, उसको उम्मीद से है, दुआ करो अल्लाह उसे बेटा भी दे, सेहत वाला दे, दुआ करो दुआ। आमीन 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 करिए, अल्लाह सलामती दे, खुशी दे, सबको खुशी दे। आमीन 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 आमीन। अब हम ये देखे जी मेरे से तहकीकत कर रही है, वो कौन है मुझे नहीं पता, वो कौन है, उसने मैसेज किया है मैसेज, करिए मैं उम्मीद से हूँ, अल्लाह खैरफियत से औलाद दे। ठीक है जी, हमारा अबकर आ गए, माँ को इशारा कर रहा है वाशरूम जाने का, ऐसे ही आप वाशरूम लेकर जाएंगे इसको। देखें बेगम मेरी जो है अपना नाश्ता के लिए तैयारी की हुई है, आग भी चल रही है, पर इस तरफ चाय बन रही है, और दूध की क्या सूरत हाल मालूम नहीं है, ख़राब ना हो जाए, क्योंकि पीछे दूध हमारा ख़राब हो गया था, और ये आटा मल रही है आपके सामने, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये आटा मल रही है, अल्लाह ताला बरकत दे सुबह के नाश्ते में, और हर वक्त भी बरकत दे, आसानी ता फरमाए। ये जी मक्खन है, और मक्खन माशाल्लाह मेरे बकर के लिए दिया है हम सायों ने, और ये है लस्सी आपके सामने, बेटा मेरा लेके आया सुबह सुबह, अब इसको साथ हम नाश्ता करेंगे, चटनी भी बनाएंगे, क्योंकि ये सालन मेरे ख्याल में है, सालन नहीं है, चटनी बनाओ जल्दी करो, फिर चटनी बनाओ। देखें जी कितना सादा माहौल हमारा, और बेटा मेरा जो है चटनी बना रहा है सुबह के नाश्ते में, क्योंकि सालन कम है और पूरा नहीं होगा, इसलिए फिर चटनी के साथ हम नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह, और चटनी भी जो है ना सब्ज मिर्चों की है, आम ना पीछे हटो, मिर्चों का छिलके छाल कर आँखों में ना पड़ जाए, ठीक है, उसका बीज आँखों में पड़ गया तो बहुत तेज़ मिर्चें हैं, बहुत तेज़ सब्ज मिर्च, और इसमें लस्सी डालेंगे नाज़रीन। ये कह रही है कि लकड़ियाँ यहाँ नहीं है, लकड़ियाँ ना, दरअसल ये बेरी की लकड़ियाँ इधर बाहर इस जो साथ वाली जो बिल्डिंग है ना इनकी पड़ी हुई थी,
तो ये हमने लगाई है और अपना उठाई है वहाँ से उनसे पूछ के, तो वो जला रहे हैं आपके सामने। ये लेकिन बेरी की है, लेकिन शदीद कंडा है इसका, बहुत शदीद कंडा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से नाश्ता हमारा मुकम्मल बन चुका है। अब हम नाश्ता करेंगे आपके सामने हैं और यहाँ अब बैठे हुए हैं, लेकिन एक घंटे बाद जहाँ साया शायद एक घंटा में कह रहा हूँ, आधे घंटे बाद साया ये पीछे पीछे होता जाएगा, यानी कि यहाँ पर नहीं बैठा जा सकेगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह सनी का फरमाए और दुआ करें हमारा पानी का इंतजाम हो जाए, पानी का मसला नहीं हल हुआ। और यहाँ लाइट का इशू है, यानी उसकी जगह सोलर की प्लेटें वो लेनी पड़ेंगी, सोलर सिस्टम के तहत पंखे चलाने पड़ेंगे। और यहाँ बच्चे रात भी रोते रहे और पिछली रात भी, और बड़ी मुश्किल हो रही है इस तरीके की, यानी कि जो तीन रातें हमारी गुजरी है ना यहाँ पे, अल्लाह जानता है या हम जानते हैं, यकीनन बेगम की हिम्मत है, इन्होंने साथ दिया है, बच्चों की हिम्मत साथ दिया है। और ये रोटी का नाश्ता जो है ना सालन रखते दे दिया आपके सामने, जरा बेटा करीब से दिखाओ ये जूम, ये देख लें जी। और अबकर और बिलाल जो है ना उधर बैठ गए चार पे के ऊपर, ये हमारा दस्तक था आपके सामने, बोरियों का काट, दस्ती काम, दस्ती मोहताज, यानी गांव के सादे लोग हैं, सादा ही माहौल है अलहमदिल्ला। तो तंदूरी जो है ना हमने कल लगा दी थी, ये सामने आपके सामने है। अब हमने नाश्ता करना है, और नाश्ता करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन बहन भैया ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को सब बहन भाई शेयर किया करें, लाइक किया करें, आपकी मेहरबानी होगी, आपकी ये भी सपोर्ट है हमारे साथ, बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगी, आपकी मेहरबानी होगी कि आप शेयर कर दिया करें, तो ये अल्लाह आपको इसका अजर देगा। बाय बाय करो, ये चटनी चटनी हाँ चटनी। तो नाज़रीन मैं नाश्ता अपना चटनी के साथ नाश्ता करेंगे हम आपको वो भी दिखाते हैं। देखें जी, अब हमारे यहाँ मगरिब के बाद अंधेरा हो चुका है और यहाँ रात को रहने का प्रोग्राम जो हमारा इधर ही है, हम यहाँ रहेंगे इंशाल्लाह। और बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे रहना भी, एक तो बारिश का मौसम बन रहा है और बादल भी हम आपको दिखाते हैं, अल्लाह रहम करे, और वो कितनी मुश्किल है, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं और यहाँ लाइट का इंतज़ाम यानी कि नहीं है, सोलर का इंतज़ाम हो जाता हमारे लिए आसानी हो जाती, फिर पंखे भी चलते और चाहे बारिश होती कमरों के अंदर फिर सो जाते, पंखे वहाँ चलते रहते बैटरी के ज़रिए भी, तो आसानी हो जाती क्योंकि दिन को सोलर के ऊपर भी चलते और साथ साथ बैटरियाँ भी हमारी भरती रहती और फिर सारी रात उसको बंदा इस्तेमाल कर सकता है, सारी रात इस्तेमाल कर सकता है। अभी तक तो हमारा पानी का इंतज़ाम नहीं हुआ, तो वो सोलर भी वो भी होना है, ये भी होना है, हम चाहते हैं कि यानी कोई ऐसा इंतज़ाम हो कि ये सारे मामले तो हमारे हल हो जाए। अब देखिए छोटे छोटे मेरे बसों बच्चे हैं, ये इंजन रात जो है सीख के भर भर के रोएंगे रोते रोते सोएंगे, और रात भी जो गुजरी है वो भी ऐसी, और अब भी आज ऐसे अल्लाह रहम करे। अब हम चाहते हैं कोई जल्द से जल्द ऐसा कोई इंतज़ाम हो, पानी का इंतज़ाम भी हो जाए, साथ साथ ये भी हो जाए, कितना मुश्किल है हमारे लिए, बहुत मुश्किल है। कितनी मुश्किल है और सारी रात ऐसे गुजारेंगे। दूसरा ये कि ये बारिश का मौसम बन रहा है, इस साइड पे देखिए बादल, बादलों की सूरत हाल देखिए, अभी एंट्री शुरू हो चुकी है बादलों की, थोड़ी देर में बादल आ जाएंगे यहाँ पे, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला बेहतर करे और आसानियता फरमाए, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, यकीन है यानी इतना मच्छर है यहाँ पे तो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल आ रहा है। और आपको इस कैमरे के आगे फ्रंट पे से मच्छर के जो झलक ये जो ज़्यादा नज़र आ रही है, तो खैर और रोशनी है लेकिन इसके आगे थोड़े से मच्छर भी आपको नज़र आएंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको सही जो मच्छरों की वीडियो है, हालाँकि उस वक्त रोशनी थी अंधेरा नहीं था, लेकिन उस वक्त हमने थोड़ा सा क्लिप बनाया था, मच्छर उनका दिखाया था आपको, बीच में देख लेंगे आपको मालूम हो जाएगा। तो ये बादल देख लें आपके सामने, इस तरह से एंट्री हो रही है, और इधर भी ये देख लें, इधर भी देख लें, अल्लाह ताला रहम फरमाए, आसानियता फरमाए, दुनिया और आखिरत की बेहतरी दे, आसानियता फरमाए, अल्लाह ताला तमाम मुश्किल से निजात दिलाए। और बच्चे यहाँ रात को सोएंगे, मैं भी यहाँ सोऊंगा, हालांकि मच्छरदानी है लेकिन उससे हमारा इंतजाम नहीं होता, मच्छरदानियों से मच्छर अंदर घुस जाते हैं और फिर सारी रात बच्चे ऐसे ही रोते रोते तड़प तड़प के सो जाते हैं। अल्लाह ताला बस फजल करे, हमारी मुश्किल आसान हो जाए, मुश्किल दूर हो जाए। आप हमारी वीडियो देख रहे थे और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आप काबिल एहतराम हमारे मोहसिन हैं, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की भलाई दे, बहुत शुक्रिया। बाय बाय करो, अस्सलाम वालेकुम।